एक अरसे बाद वो फिर आए थे हमारे यहाँ, उस झुलसती गर्मी को अलविदा कह बारिशों ने फिर दस्तक दी थी मेरे शहर में। और बारिश की वजह से तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो चार दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं घर लौट रही थी अपने मामू के साथ। रास्ते में तालाब पड़ता है और तालाब को गोलाई में नापती है VIP रोड। बारिश ने उस रोज़ रफ्तार पकड़ी हुई थी। तभी मामू को VIP रोड के बीचों बीच दो अजनबी दिखे, अपनी स्कूटी को धकाते हुए आगे ले जा रहे थे। मामू ने गाड़ी रोकना चाही पर मैंने रोक दिया, नहीं मामू तबीयत अच्छी नहीं है, घर चलते हैं। थोड़ा ही आगे गए थे कि मामू ने गाड़ी फिर रोक दी। बेटा ये मौसम देखो, परेशानी में लगते हैं, दो मिनट बस। मेरे मामू इस खुदगर्ज दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो दुनिया की किसी मखलूक को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो गाड़ी थोड़ी पीछे की, शीशा उतारा। अरे आपकी तो गाड़ी ख़राब लगती है, चलिए आइए आपको मैकेनिक की दुकान तक ले चलते हैं। नहीं नहीं बेटा हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चौड़ी सी मुस्कान लिए उन अंकल ने कहा। चौकन्नी बड़ी आँखें थी, कायदे से तराशी हुई दाढ़ी और बादामी शर्ट पहने थे। अंकल यहाँ आगे पीछे 2-3 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक नहीं है, चलिए ना। चलिए ना बच्ची बोल रही है, और ये शहर भी अनजान है, और मौसम देखिए, उनकी बीवी ने कहा। सादा सा गुलाबी शलवार कुर्ता पहनी थी। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनका पाँव उनकी जांघों पे गया और उन्होंने अपने पाँव को खींचा। मैं और मामू ये देख हैरान रह गए थे कि वो पाँव जो अभी उस स्कूटी को धका रहे थे वो असली नहीं थे। कुछ 2 मिनट हमारे दरमियाँ बस खामोशी थी। मैंने उस खामोशी को तोड़ना चाहा। बारिशों में भोपाल किसी जन्नत से कम नहीं लगता। हाँ बेटा, पर एक और जगह है जिसके लिए कहा गया है, गर फिरदौस बहरूह ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है। मैं उसी जन्नत यानी कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर, रिटायर्ड सूबेदार, वो पाँव, आखिर सूबेदार रोशन सिंह की दास्तां क्या है? उन्होंने मेरी आंखों में मेरा उतावलापन भांप लिया था और कुछ इस तरह अपनी दास्तां बयां की। बेटा जून 1999 की वो रात थी। ये पांव रात भर चले थे, मानो जानते थे कि अगले रोज़ ताउम्र के लिए मेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे। हम पे हमला हुआ था, मैं कोने में बदहवास पड़ा था। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि पांव जा चुका है। आसपास वो साथी पड़े थे जिनके साथ बस 5 मिनट पहले तक मैं खिलखिला रहा था। कुछ की सांसें चल रही थी पर ज़्यादातर खुदा की उस जन्नत में जन्नत की ओर रवाना हो चुके थे। तभी आंटी बोली, बेटा मैं क्या बताऊं कि वो क्या मंज़र था। फ़ोन बजता था तो रूह कांप उठती थी। हर रोज़ टीवी पे किसी ना किसी की शहादत की खबर आती थी, शहादत की खबर भी टीवी से मिलती थी। बस एक चीज़ थी जिसने हिम्मत दे रखी थी कि मौत आएगी अगर तो तिरंगे में लिपटी हुई आएगी। थोड़ा आगे गए, मैकेनिक मिल गया, अब अलविदा कहने का वक्त आया। अंकल मेरे पास आए, बोले बेटा हम यहीं मिलिट्री कॉलोनी में रहते हैं, हमारी बिटिया यहीं फ़ौज में अफसर है, आप ही की उम्र की है, आइएगा ना कभी। मैंने कहा आपने अपनी बेटी को फ़ौज में डाल दिया? वो ये जानते थे कि मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आपने किस हिम्मत से अपनी बेटी को फ़ौज में भेज दिया। और जवाब कुछ यूँ था, बेटा ज़िंदगी गुजारे हुए सालों से नहीं, कुछ पाके गुजारे हुए सालों से नापी जाती है। मौत तो सबकी आती है, मौत तो सबकी आती है, पर शहादत सबकी नहीं होती। आज भी जब ये पांव जनगणमन गाने के लिए खड़े होते हैं तो फक्र होता है कि करगिल की उस जंग में ये शहीद हुए थे। आगे गए, अलविदा कहा। मामू ने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा हाँ मामू ठीक है। कुछ महीनों बाद माई बेस्ट फ्रेंड केम टू मी एंड सेड दैट आई एम लिटिल कन्फ्यूज विथ माई करियर, मैं क्या करूँ। मैंने कहा वाई डोंट यू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस, टूडे आई एम अ प्राउड फ्रेंड ऑफ एन इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट अनुराग कोचर हु इज सिटिंग राइट हियर।